बड़े क्रिटिक्स ने बातें करी है इन दो फिल्मों की जो 2025 में आने वाली है, जो कि कंफर्म 2024 में नहीं बल्कि 2025 इसकी रिलीज डेट्स। हालांकि अभी तक रेड 2 का रिलीज डेट कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म हो ही चुका है कि वो फरवरी या मार्च में आ सकती है 2025 में। मोस्ट प्रोबेबली महाशिवरात्रि 2025 आएगी। और जॉली LLB 3 जो 10 अप्रैल का कल हमने अनाउंसमेंट देखा था, कहने का मतलब ये है कि बहुत से क्रिटिक्स जो है, जो अजय अक्षय के अगेंस्ट रहने वालों में से ही बोल रहा हूँ मैं, अक्षय अजय के जो अगेंस्ट रहते हैं वो भी क्रिटिक्स इन दो फिल्मों को बहुत ज़्यादा ओवरऑल सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा लगा। एंड ये बात है कि और कुछ आज से बाय द वे बड़े वीडियोस भी आएंगे, ओके, बड़े इन द सेंस वो 5-6 मिनट के होंगे, क्योंकि डिस्कशन 2 मिनट में नहीं होता है, ये पहले ही बता देता हूँ। मैं आप लोगों के लिए छोटे वीडियोस लाता हूँ कभी कभी, हाँ कलेक्शन के मामले में मैं टाइम पास नहीं करता हूँ। कुछ लोग सिर्फ 2-3 करोड़ हुआ है बोलने के लिए 10-10 मिनट के वीडियो लाते हैं, वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स, उनको फ़ायदा भी होता है, पता नहीं लोग इतना देख कैसे लेते हैं। फिर चलो ठीक है, जो भी है वो उनकी चॉइस है। मैं कलेक्शन के वीडियो जल्दी दिया करूँगा, बट जब डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा, मतलब होगा कि आप लोगों पर है। एनीवेज, जॉली LLB 3 को लेके अरशद वारसी अक्षय कुमार दोनों भी बहुत एक्साइटेड है। ये फिल्म का सुना है कि अक्षय सर खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, अक्षय सर की फीस नहीं है और 50 करोड़ से कम बजट नहीं है भाई। OMG 2 का भी 50 करोड़ के ऊपर ही था बजट, 50 से 70 करोड़ था, वो 50 बाद में बोल दिया था उन्होंने, हालांकि 70 करोड़ के आसपास था। बट जॉली LLB 3 मैं क्या इतना बिलीव करता हूँ कि 50 करोड़ के आसपास, क्योंकि भाई प्रोडक्शन है वो, तो कोई ऐसा नहीं कि हलवाई की दुकान नहीं, वो भी महंगी होती है आजकल, बट वो नहीं है कि भाई कुछ भी, 50 करोड़ से 70 करोड़ बजट होगा जॉली LLB 3, और वो इतना तगड़ा कंटेंट है कि वो छोटी फिल्में रहती ना जो 150-200 करोड़ ऐसे यू ही कर लेती है, वो टाइप की वो फिल्म बनेगी, क्योंकि वो कंटेंट है। अगर आगे चल के वो किसी के साथ क्लैश भी होती है, इतना टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको बहुत आगे रखा है क्रिटिक्स ने इस फिल्म को, और ऐसा सुना है कि ये फिल्म की कहानी बहुत ही अलग है जो जॉली LLB 1 जॉली LLB 2 की तुलना में। ये कहानी आपको एक तरीके से सरप्राइज करके रखेगी, बिकॉज इट्स अक्षय वर्सेस अरशद, इट्स जॉली वर्सेस जॉली। क्या पता कि एक बंदा एक बुरे साइड से है, एक बंदा अच्छे साइड से, हो सकता है कि बाद में ये दोनों भी एक दूसरे को हेल्प करते होंगे एक केस में, बट देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड बहुत तगड़ा केस इस बार आया है ऐसा बोला जा रहा है। एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें बोला गया था कि एक ही केस इन दोनों के पास आता है, एक दूसरे के अगेंस्ट ये लड़ रहे हैं, एंड देर आर टू मच सबप्लॉट्स इन दैट फिल्म, सबप्लॉट्स है उसमें, यानी कि सीक्रेट्स बहुत होंगे उस केस में, मे बी। एनीवेज, अब आते हैं रेड टू को लेके भी ये लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन दिखाया है बहुत से क्रिटिक्स ने, जो तो भाई अजय के बुरे हेटर है उन्होंने भी, उनका यह कहना है लेकिन कि रेड टू भी एक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, एक बड़े बिजनेसमैन की है जो रितेश देशमुख का कैरेक्टर दिखाया है, और वो बड़ा तंग करेगा अजय को भी, ऐसा बोला जा रहा है कि वो जैसे रेड, अब देखो पटनायक का जो कैरेक्टर दिखाया, आई थिंक पटनायक ही रहता है ना अजय देवगन का कैरेक्टर, वो एक ऑफिसर है, उसको कोई तंग नहीं कर पाएगा वैसे देखा जाए तो, बट ये रितेश देशमुख बहुत तगड़ा बिजनेसमैन दिखाया है, इसकी अच्छी पहचान है, तो इस बार वो भी तंग होगा। अगर हम अजय देवगन का पिछला फिल्म देख ले, उसमें अजय देवगन का एक स्वैग ऐसा था कि वो कभी मजबूर नहीं होता था, वो इतना बड़ा वो जो दिखाया है विलन, उसके अगेंस्ट भी ये झुका नहीं था, या फिर कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, इस बार ऐसा दिखाया गया है, शायद सुना है कि अजय के फैमिली को भी ब्लैकमेलिंग वगैरह चलेगी एंड ऑल टाइप्स का, इतनी बड़ी केस वो उसके हाथ लगी है। कहने का मतलब ये है कि ये दो फिल्म को लेके कल परसों लास्ट के 3 दिन में बहुत जगह पे एक तरीके से 2025 में लोग जो क्रिटिक्स लोग हैं वो खुश हुए हैं बॉलीवुड के, कि बॉलीवुड की तरफ से दो तो भाई ब्लॉकबस्टर इनको वैसे भी मिल रही है, सो विच इज़ क्वाइट गुड या। और वो अगर उस उनके जैसे क्रिटिक्स अगर इन फिल्मों को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि क्या है। रही बात शूटिंग की, देखो दोनों भी फिल्मों की, बाय द वे लाइट्स आती जाती रहती है, बट फिर भी थैंक्स टू इन्वर्टर, बट ट्रस्ट मी अभी भी मैंने इन्वर्टर नहीं लगाया, वो गलती से लाइट 2 सेकंड में आ गए, वापस भी जा सकते हैं, मैंने वो वाला लाइट चालू नहीं रखा है अभी इन्वर्टर का। एनीवेज, बोला ये जा रहा है कि रेड टू जो है
और जॉली LLB 3, गलती से 2 नहीं बोला ना मैं। सो रेड 2 और जॉली LLB 3 को लेके ऐसा भी बोला जा रहा है कि दोनों भी फिल्में बहुत कम बजट में बनी हैं। आई थिंक उसमें भी नहीं, वो अजय देवगन फिल्म्स का नहीं है, लेकिन सुना है उसका भी बजट ज़्यादा नहीं है, अजय देवगन का फीस कम है। और रेड 2 का भी शूट कंप्लीट हो चुका है, जॉली LLB 3 का शूट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मुझे लगा इसका वीडियो मैं बनाऊँ, क्योंकि इसको लेके, क्योंकि शूट कंप्लीट हुआ है इसलिए डिस्कशन चर्चा में है। आप ये समझ लो, बड़े बड़े क्रिटिक्स को कभी कभी अंदाज़ा हो जाता है स्टोरी को लेके, कहानी को लेके। आप इमेजिन करो कहानी तगड़ी होगी, जो हेटर लोग अभी से तारीफ कर रहे हैं इन दोनों फिल्मों की, आप समझ रहे हो, क्रिटिक नहीं है ये लोगों को, तो मैं हेटर मानता हूँ इन दोनों का, बट इन्होंने तारीफ की है, तो भाई कुछ तो होगा ना। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है स्टोरी के बारे में। मैंने स्टोरी रेड 2 का बताया, जॉली LLB 3 के केस का स्टोरी अभी तक पता नहीं है भाई। जी हाँ, मतलब जो मैंने बहुत ये करने की कोशिश की, तगड़ा इन लोगों ने भाई सीक्रेट रखा है कहीं पे, फूटने नहीं दे रहे हैं स्टोरी को, या फिर सोर्स में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। अच्छा लग रहा है जॉली के मेकर्स को भी देख के, बट हाँ रेड 2 वालों ने भी कुछ स्टोरी की पूरी नहीं बता दी। बट एक तरीके, अब रेड एक ऐसी फिल्म है ना जिसमें पता है भाई कि कोई करप्ट बंदा होगा उस पर ही रेड पड़ने वाली है, बट यहाँ पे मैंने सुना है कि ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे रखे हैं, और अजय के कैरेक्टर को बड़ा ही सताने वाला है रितेश देशमुख भी, तो जब भी वो विलन बन जाता है ना पर, तो मज़ा ही आ जाता है, वो विलन है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, टेक केयर।